नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधान परिषद के चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार में 7 सीट बिहार विधान परिषद के खाली हो रहे हैं और 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि ये चुनाव जो है 20 जून को होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 जो विधायक है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 21 जून का उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 20 जून को चुनाव होगा और नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम तक मतदान चलेगा और जो 7 सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके बाद फिर से चुनाव होगा। आपको बता दें कि जो सीट है 7 सीटों में 2 सीट जदयू की है, तो जो 2 सीट भाजपा की और 3 सीट महागठबंधन के खाते में गई है। सबसे अधिक विधायक होने के कारण 3 सीट महागठबंधन के खाते में गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे अधिक नुकसान जो है इस चुनाव में जदयू को हो रहा है, क्योंकि जो 5 विधायक थे वो जदयू के थे और उन्हें इस बार 2 सीटें ही मिली है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को सहना पड़ेगा। इसमें जो सदस्य हैं उनका 7 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिसमें वीआईपी से पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, बीजेपी से अर्जुन सहनी और जदयू से कमर आलम, गुलाम रसूल बरियाली और रोजिना नाजीस, सीपी सिन्हा और रणविजय सिंह है, जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 21 जून को, और 20 जून को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली 7 सीटों पर भी चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार विधान परिषद की चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी गई है। 2 जून को नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 9 जून तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। 10 जून को नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की जाएगी और 13 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने 20 जून को मतदान की तिथि तय की है। मतदान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती उसी दिन 5 बजे से होगी। आपको बता दें कि 7 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद के सभी राजनीतिक दलों के विधायक की संख्या 2 सीट भाजपा की है और 2 सीट जदयू की और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाता है। हालांकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को होने वाला है, क्योंकि जदयू के सबसे अधिक यानी कि 5 उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वोटों की संख्या देखें तो जदयू को दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी की सहायता लेनी पड़ सकती है। बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के चुनाव की घोषणा की कर दी है। तो 7 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। 20 जून को ये चुनाव होंगे और इसके लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। सब कुछ बता दिया गया है और 7 जो विधायक है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।